घर का और क्या मलाई से ना, मैं सारा खा जाऊंगा ये गड़िया। अरे तो यहाँ स्टार्टिंग में है, आगे और क्या करें। गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, करते हो सब बड़े होंगे। तो भाई अब बज रहे हैं दोपहर के शाम या सॉरी शाम के 4। थोड़ा ना टंग ऑफ स्लिप हो गया, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई आज हम बहुत लेट उठे थे क्योंकि कल तो नींद ही नहीं आई थी। 5 बजे नींद आई है, 5:30 बजे नींद आई है। फिर 7-8 बजे मम्मी ने बोला जा तू ऊपर जाके सो जा क्योंकि हमें पूजा करनी है। तो हम शोर करेंगे पापा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और आप शोर कर रहे हो। कोई इज्जत नहीं है मेरे घर में, ठीक है ना। तो चलो अभी चलते हैं काम पे लगते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हो पापा आप? ये मैंने घी बनाया है घर का। और क्या मलाई से ना, मैं सारा खा जाऊंगा ये। देखो ये शुद्ध देखो, बस इतना सा निकला है। ये चटनी बना दी आज मम्मा ने, चटनी बन गई आज। 2 hours later। तो गाइज अभी चल रहा है एडिटिंग और बाकी भूख लग रही है। सुबह ही खाया था थोड़ा बहुत, उसके बाद अभी थोड़ा सा बाकी तक खाया तो अभी भूख लग रही है। कुछ पीने का मन कर रहा था, सोच रही नींबू पानी पी लेती हूँ, बेस्ट रहेगा एकदम, ठीक है। तो नींबू पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद जिम भी जाना है तो उसके लिए भी तैयार होना है। तो फिर चलते हैं और अभी एडिटिंग भी करनी है ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग सोच रहे हैं कि आज टाइम से अपलोड कर देंगे। 2-3 दिन से ना ब्लॉग लेट जा रहा है क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पाता जिम के चक्कर में, कि ये रहता है कि यार जिम जाना है मेरा टाइम निकल जाएगा तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता। तो सोच रहे हैं कि जल्दी से अब ब्लॉग अपलोड करेंगे और फिर पहले नींबू पानी पीएंगे, फिर ब्लॉग अपलोड करेंगे, फिर जिम में निकल जाएंगे, ठीक है। इस तो आपसे आके मिलेंगे अब, या फिर हम आपको कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे। आप अभी इंजॉय करना कलगा का व्यू, ठीक है। मीनवाइल सामने परेशानी से बस मिलती है, नीचे डैम है, पीछे डैम है, नीचे दिखाई देगा कल वीडियोस में। ऊपर देखो बर्फ पीछे बहुत बढ़िया, ऊपर पहुँच ऊपर ऊपर देखो, देखो पत्थर पड़े हैं। 2 दिन मौसम ख़राब था, काफ़ी बारिश हुई थी, बर्फ भी पड़ी थी, तो सड़क के ऊपर सारे पत्थर पड़े हैं। बस इतना ही फासला रहता है कि ऐसे टाइम पे नहीं निकलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए पहाड़ों पे जब बारिश वारिश हो रही हो, खासकर उसके 5-7 घंटे बाद तक। मैं तुम्हें दिखा दूँगा तो पूरी रोड पर पत्थर पड़े हैं ऐसे, अभी आगे दिखाता हूँ। अब सारी कोई गाड़ी निकल रही है यहाँ से बाई चांस, और रात में निकल रही हो, अगर रात में तो कुछ दिखता ही नहीं, चलो दिन में तो ये कि पत्थर गिर रहा है दूर से, मिट्टी ऊपर से गिर रही है दिख गई, लेकिन रात में कुछ दिखता ही नहीं है। ये देखो ये पड़े, ये साइड ऊपर से आके भी ना छोटे छोटे भी 1 किलो का 20 किलो लगता, पर भी बढ़िया। सुबह से रात को मौसम साफ था, बादल बन गए, बरसेगा दोबारा, लिखिए आज भी स्नोफॉल यहाँ पे। देखना यार टूरिस्ट बाकी है नहीं, बहुत कम टूरिस्ट। लैंडस्लाइड गड़िया। अरे तो यहाँ स्टार्टिंग में ही है, आगे और क्या दिखाऊंगा। ऊपर से नीचे पत्थर आ गया, बहुत बारिश हुई तो नहीं है बहुत, मुझे पता है एक दिन तो पूरी रात बरसी है। तो आगे तकड़ी हो रखी, मेरे ख्याल से साफ करी हुई उन्होंने। सामने ये पुलगा है, पीछे वो कलगा है, ऊपर तुलगा भी वही है जो पुलगा का राइट साइड में। यार कितने कैफे बनते जा रहे हैं यार, जब मैं दिखता भी नहीं था पुलगा आज से 3-4 साल पहले। अब देखो देखो गाइस
भाई ऐसे में कोई गाड़ी छोड़ो कह नहीं चाहिए मुझे, कितनी तोड़ी लाइन छोड़ रखी है, ये सारा पत्थर यहाँ गिरा हुआ है पूरा सीधा, देख रहे हो रोड पे ये हाल है। चलो मैं तुम्हें दिखाते नहीं, तुम ज़्यादा डर लगेगा और मेरे घर वाले देखते हैं लोग, ध्यान रखो, बाकी मिलता हूँ आपको जल्दी, कोच के बीच में कहीं भी, टेक केयर, बाय।